जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहल बा रामानुजदा श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गहल बा। अध्याय दो सांख्योग श्लोक 21। वेद अविनाशिनम नित्यम ययेनम अजम अव्ययम् कथम सह पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कं। ओम श्रीमन नारायण अर्जुन के साथे हमनी के सब के शिक्षा दे रहल बाड़े। ऊ कहत बाड़न कि अर्जुन रौरा अब जान गहल बाड़ू कि आत्मा के नाश ना होखा। रौरा यू पता चलल गई कि रौरा अर्थात आत्मा अजन्मा है, कौनो मौत नहीं। अब रौरा जौन जानल जरूरी बा ऊ ई कि रौरा लड़ाई के मैदान में बानी। जौना के रौरा मारे वाला बा या जौना रौरा से मारल जाई आ जौना के रौरा दूसरा आदमी के माध्यम से मारब ऊ खाली शरीर है आत्मा न। ई रौरा अब जानल जरूरी बा कहे कि रौरा ई आभास में बानी कि रौरा भीष्म आ द्रोणाचार्य के मारत बानी, बाकी असलियत में रौरा ओ शरीर के मारत बानी जौना के नाम भीष्म बा, ना कि ओ शरीर में निवास करे वाले आत्मा का। रौरा दुखी बानी काहे कि रौरा सोचत बानी कि रउआ आत्मा के मार दे, ये रौरा दुख ना होके के चाहे। रौरा ई जानला के बाद कि रौरा खाली शरीर के मारत बानी अब दुखी ना होके के चाहे, ई दुख के छोड़ दे। ई श्लोक के माध्यम के हमनी के जौन संदेश आप समझे का चाही या उका पालन करे के चाही ऊ ई बा कि जब हमनी के कौनो बात के समझे में दिक्कत होके ता हमनी के आपन बड़न लोग से ओकरा बारे में सलाह लेवे के चाही और ओ लोग के सलाह पूरा विश्वास से सुने के चाही और ओकरा के अमल करे के चाही। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65-70 में 8 काम करे खातिर देले बाड़े। श्री कृष्ण कहले हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं उही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के अपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाही। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाही कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण जैस की आप माने के कहले रहलू हमरा बहुत विश्वास हुआ कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले जहां आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण मैं हमेशा तोरे शरण में रहब। हमनी के छठवा वादा, हे श्रीमन नारायण हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण
आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवद गीता के वितरण करके हम सब के कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम एक श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के आठवां वादा, हे श्रीमन्नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गएलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन्नारायण, हम उई करम जौन तू करई का कहब, हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन्नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम उइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन्नारायण करशे वचनम त्वा, श्रीमन्नारायण हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन्नारायण। वेदा अविनाशिनम नित्यम ययेनम अजम अव्ययम कथम सह पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्। ओम। वेदा विनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्। ओम। श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सब भक्त लोगों से विशेष अनुरोध बा, जीवन में हर चीज में हमनी के तत्कालिक और प्रभावशाली परिणाम की अपेक्षा रहला। एकरा खातिर आइए रोजाना एक मिनट के समय निकालल जाए और नारायण आश्रम पढ़ल जाए। नारायण आश्रम प्राप्त करे खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट पर जाई, जो www.narayanashram.org है, और पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दर्ज करी। आपके द्वारा प्रदान कैल गई ईमेल पर आपका एक नारायण आश्रम PDF प्राप्त हुई। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम बा। ये तीनों के मिल के नारायण आश्रम कहल जाला। हर व्यक्ति के ये श्लोक के अलग अलग संयोजन मिलेला। जब हर कोई 24,000 भक्तन के साथ रोजाना आपन नारायण आश्रम पढ़त आ सुनत बा, ता हर दिन संपूर्ण रामायण का एक दौर, श्रीमद् भगवत गीता पुराण के 33 दौर और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्त्रोत पुराण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होयला। ई एक बहुत ही उल्लेखनीय और विलक्षण परिणाम बा, जौन हर एक दिन ऐश्करी से निकलेला। ई कारण बा कि आप और आपके परिवार के सदस्य तुरते जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करी। जय श्रीमन्नारायण।